ये हमारी बहन बस 3-4 दिन के लिए जा रही है और मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं उस दिन क्या होगा जब ये शादी करके निकल जाएगी। ये जो पर्ची आप देख रहे हो ये है प्लेटफॉर्म टिकट। आप सोच रहे होगे रेलवे स्टेशन में क्या कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हमारी बहन आज तीर्थ यात्रा के लिए निकल रही है तो मैं उसे स्टेशन छोड़ने आया हूँ। Nice. वैसे आप लोग स्टेशन में एंटर करने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। Okay. इधर मैं टिकट लेने गया उधर हमारी बहन गायब ही हो गई, कहीं नजर ही नहीं आ रही। अबे पैदल ही निकल गई क्या तीर्थ यात्रा के लिए? अरे अरे दिख गई वो रही। फिर मैंने अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बहन से पूछा, अरे बहन पैसे वगैरह पास में रखी है ना, जरूरत पड़ सकती है। हाँ है रे। पक्का सफिशिएंट है तो 100 रुपीस दे ना, मुझे घर भी तो जाना है ना। भाग यहाँ से। इंडियन रेलवे को लगता है कि लोग यहाँ स्टेशन में मूतने के लिए आते हैं, इसीलिए स्टेशन में हर 2 कदम में ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे जो आपको मूतने से रोकेंगे। फाइनली ट्रेन आ जाती है। पायलागू ट्रेन जी। अरे वाह हमारी संस्कारी बहन। अबे इस ट्रेन को कोई बताओ यार, ठंडी का दिन जा चुका है, थोड़ा नहा भी लिया करो यार, कितनी गंदगी जम चुकी है। अबे लालची बहन कोई अनजान व्यक्ति कुछ खाने को देगा तो बिल्कुल मत लेना, पूरे बर्थ में पैर फैला के सोना ठीक है। भाई तू ये ले। अबे ये क्या है? अबे ये तो मुंह बंद करने की दवाई है। मुझे क्यों दे रही है? क्योंकि ये मुझे नहीं तुझे जरूरत है, ज्यादा ज्ञान मत फैल। बहन के हाथों अपमान होते ही मैं उसे बाय कह के निकल आया। फाइनली ट्रेन चल पड़ी। अबे रुक क्यों गई वापस? हद देख कितना खड़ा रहूं यार। oh, no. चलो बैठ जाते हैं। जैसे ही मैं बैठा ट्रेन वापस चालू हो गई। ये हमारी बहन बस 3-4 दिन के लिए जा रही है और मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं उस दिन क्या होगा जब ये शादी करके निकल जाएगी। ये सुनते ही ट्रेन वापस रुक गई, मानो जैसे हमारी बहन ने ही रुकवा दी हो। अबे मैं मजाक कर रहा था रे पागल, लड़कियां तो पराई धन होती है, एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। फाइनली ट्रेन फाइनल बार चल पड़ती है, पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्या पता अचानक वापस रुक जाए। बट नहीं, इस बार पक्का वाला निकल गई। अलविदा बहना, तेरी याद तो आएगी रे पगली। फिर जब मैंने अपने प्लेटफॉर्म टिकट में देखा तो उसमें लिखा था टिकट वैलिडिटी 2 घंटे की है, पर अभी तो बस आधे घंटे ही हुआ था, तो मुझे अगले 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैठ के गुजारना पड़ेगा। एक एक पैसा वसूल करके रहूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म टिकट के। सो दोस्तों 1.5 घंटा हो गया, अब मुझे निकलना होगा। चलो लगे हाथ आज मैं आपको पुणे स्टेशन के आसपास का नजारा दिखा देता हूँ। वाओ एस्केलेटर, चलो थोड़ा चप्पल साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों यह पुणे स्टेशन, इसके ठीक ऑपोजिट में आपको एक एग्जिट गेट के अंदर एक छोटा सा मार्केट दिख जाएगा। चश्मे से लेके कपड़े तक सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। हमारी नजर अचानक एक चश्मे की दुकान में पड़ी। सो गाइज बहुत दिन हो गया इसको यूज करके, अब अपग्रेड करने की बारी आ गई है। सो गाइज मैंने ये चश्मा 150 रुपया में ले लिया रे बाबा। ये जो पुराना वाला था ये 80 रुपीज का था। आप लोगों के प्यार के बदौलत आज मैं ये 150 रुपीज का चश्मा ले पा रहा हूँ गाइज, थैंक यू सो मच। सो गाइज इस तरफ से हम एंटर हुए थे, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ। दोस्तों ये नया चश्मा कैसा लग रहा है मेरे पे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये रही वो बस स्टैंड जहाँ से पुणे के हर कोने को गाड़ियां मिल जाती है। और पता है दोस्तों इस जगह से ना मेरा खास रिश्ता है। 10 साल पहले जब मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो सैकड़ों बार इस एरिया से आना जाना होता था। इन्हीं सड़कों में न जाने कितनी दूर पैदल घूमा था। उस वक्त अगर मैं गिव अप कर दिया होता तो आज आपके सामने ये सिद्धिदास नहीं होता। तो दोस्तों ये है वो ऑटो रिक्शा स्टैंड जहाँ से हड़पसर को यानी मेरे घर तक शेयरिंग ऑटो मिलती है। मैक्सिमम 3 लोग जा सकते हैं, पर हेड 40 रुपीज लगते हैं। पर मैंने विशाल भैया को बोला कि तीनों का भाड़ा मैं दे दूंगा पर मैं अकेले चलूंगा। Nice. तो इस तरह 120 रुपए में डील डन हो गई। ट्रिप खत्म होते ही मैंने विशाल भाई को रिक्वेस्ट किया, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब में, मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अरे बढ़िया दोस्तों, आज एक एक इंसान को हम खुद से बता रहे हैं हमारे पेज और चैनल के बारे में। पर जल्दी देखना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद से हमें पहचान लेंगे। अरे देवा तू फिर मुंह उठा के चला आया। अरे बाबू भैया ये मेरा ही घर है, सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? क्या अजीब जिंदगी हो गई है यार। पापा मम्मी गांव में, वाइफ राउरकेला में, बहन पता नहीं कहाँ चली गई, मैं पुणे में, अब मैं घर में अकेला, भूखा सोना पड़ेगा अब मुझे। चलो मिलते हैं।